अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं खजीना सेहत और मैं आपकी मेज़बान सीमी सिद्दीकी। आज हम जो आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं वो है गुलाब। गुलाब का फूल कौन नहीं जानता, गुलाब के फूल से किसकी जो ना शनासाई नहीं है। गुलाब एक ऐसा फूल है जो बहुत सारे फूलों में भी अपनी पहचान अलग रखता है। नाज़रीन, क्या आपको पता है गुलाब को क्या कहा जाता है अंग्रेज़ी में? बिल्कुल, ये तो सबको ही पता होगा यकीनन। गुलाब को अंग्रेज़ी में रोज़ कहते हैं। और ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? बिल्कुल, ये फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या आप जानते हैं कि बाहों में गुलाब लगाने का आगाज़ कब से हुआ? जी बिल्कुल, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो और कुछ को नहीं पता। तो जिन लोगों को नहीं पता उनकी आगाही के लिए ज़रूरी है कि हम उनको गुलाब की तारीख के बारे में भी बताएं और कुछ गुलाब के फवायद भी बताएं। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी मालूमात में इजाफा करेगा। आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में गुलाब की तारीख के बारे में भी बताएंगे, गुलाब के फवायद भी बताएंगे और गुलाब के पैदावार और उसको लगाने के तरीके भी बताएंगे कि गुलाब के लिए कौन सा मौसम साजगार है। नाज़रीन, बागों में गुलाब लगाने का आगाज़ आज से हज़ारों साल पहले शायद चीन में हुआ था। तारीख बताती है कि रूमियों के दौर में ही मशरक़ी वस्ती में गुलाब बड़े पैमाने पर काट किए जाते थे, उगाए जाते थे और खुशबू और मिठाई बनाने में भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। और फिर 15वीं सदी में जब इंग्लैंड में बादशाहत की जंग हो रही थी तो इसे गुलाबों की जंग का नाम दिया गया। इस वक्त सफ़ेद गुलाब या के घराने का निशान था जबकि लिंकेस्टर फैमिली का निशान सुर्ख गुलाब था। सिर्फ बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, हमें इसकी अहमियत के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। गुलाब अगरचा अमरीका और इंग्लैंड का कौमी फूल है लेकिन अमरीका में पाए जाने वाले गुलाबों में खुशबू नहीं होती। दुनिया भर में गुलाब के ज़्यादातर खुशबूदार फूल जुनूब मशरक़ी यूरोपी बल्गारिया में उगते हैं जहाँ इनसे बड़े पैमाने पर इत्र बनाया जाता है। नाज़रीन, क्या आपको पता है दुनिया भर में गुलाब की कितनी अकसाम हैं? जी जनाब, दुनिया भर में गुलाब की तकरीबन 10,000 या कुछ लोगों का कहना है कि 12,000 अकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से गुलाब की 160 अकसाम को गुलाब के आबाओ अजदाद में शुमार किया जाता है। सोचिए, अगर 10 से 12,000 अकसाम हैं और उनमें से 160 को गुलाब के आबाओ अजदाद में यानी उनके फोर फादर्स में शुमार किया जाता है। और क्या नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारे प्यारे मुल्क में गुलाब की कितनी अकसाम है? जी जनाब, हमारे मुल्क में गुलाब की तकरीबन 12 अकसाम पाई जाती हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा वैरायटी पाकिस्तान के इलाके वाकेंड में पाई जाती है। अगर दुनिया में पैदावार के लिहाज से गुलाब को देखा जाए तो हॉलैंड में सबसे ज़्यादा गुलाब पैदा होता है और जबकि गुलाब की बरामद में जर्मनी सर फहरिस्त है। सबसे ज़्यादा खुशबू देने वाला गुलाब मुल्क शाम के इलाके दमिश्क में पाया जाता है जिसे गुलाब दमिश्क के नाम से पुकारा जाता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ये गुलाब किंग हेनरी हिस्टम के मालिक ने बादशाह को सन 1540 में बतौर तोहफा पेश किया था। नाज़रीन, ये बात तो तय है कि दमिश्क का ये गुलाब दमिश्क से ही यूरोप में पहुंचा और जबकि अफ़गानिस्तान में भी कदीम ज़माने से दमिश्क के गुलाब का इत्र तैयार किया जाता है। यहाँ ये बताना भी काबिल ज़िक्र है कि गुलाब दमिश्क उस्मानी तुर्कों के ज़रिए बल्गारिया पहुँचा। अब हम ये बताएंगे कि गुलाब के फ़वाद क्या हैं। तिब की दुनिया में हुक्मा जब लफ्ज़ गुलाब इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद हमेशा देसी गुलाब का फूल होता है। गुलाब मुख्तलिफ़ बीमारियों में फ़ायदा देता है लेकिन ज़रूरत इस अमल की है
आपके गुलाब का देसी होना ज़रूरी है। कब्ज़ का इलाज जो है ताज़ा गुलाब में मौजूद है। ताज़ा गुलाब की पत्तियों को अगर दूध में उबाल कर उबालें और उसको छान लें और फिर उसको इस्तेमाल करें तो कब्ज़ ख़त्म हो जाता है। नींद गुलाब को सूंघने से दिल की धड़कन जो आपके जो उसमें इंतशार होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसमें नज़्म ज़ब्त आता है। इसलिए जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको चाहिए वो गुलाब को ज़्यादा से ज़्यादा सूंघे ताकि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सके। सिर्फ यही नहीं बल्कि बेहोश मरीज को होश में लाने के लिए गुलाब के इत्र को दूसरी अद्वियात में मिलाकर सूंघाया जा सकता है। गर्मी से सर दर्द में अरके गुलाब को पीना और इसके खालिस इत्र को सूंघना फ़ायदेमंद साबित होता है। गुलाब जिस्म की सूजिश को कम करता है। गुलाब की पत्तियों को जिस्म पर मलने से पसीना कम होता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि जल्द और रंगत के निखारने के लिए भी नहायत कारामद है। और इसका अरके गुलाब का टोनर अगर आप चेहरे पे लगाएं तो चेहरे की शादाबी में इजाफा होता है। अगर बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, गुलाब का तो नाज़रीन तेल भी निकलता है और इसका तेल अगर कहा जाता है ज़ख्मों पर लगाएं तो उससे जो है ज़ख्म मुंदमिल हो जाते हैं और ये बुखार को आने से भी रोकता है। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं बल्कि शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात में गुलाब का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है क्योंकि गुलाब हमारी तकरीबात को खूबसूरत बनाते और लोगों की ज़िंदगी का जो यादगार लम्हा होता है उसको रौनक बख्शते। गुलाब सिर्फ तकरीबात की ही जीनत नहीं बनता है बल्कि शायरों ने तो सबसे ज़्यादा गुलाब को ही मौजूए सुखन बनाया है। जबकि शेक्सपियर ने अपने एक ड्रामे रोमियो एंड जूलियट में गुलाब के बारे में लिखा, नाम की क्या अहमियत है, नाम की क्या अहमियत है, गुलाब को जिस नाम से पुकारो इसकी महक कम नहीं होती। इसीलिए नाज़रीन गुलाब को तमाम गुलों का बादशाह कहा जाता है और ये फूलों का शहंशाह भी है। और तो और कहावतों और मुहावरों में भी गुलाब को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक दिन का मेहमान गुलाब, दूसरे दिन का मेहमान कमल का फूल, तीसरे दिन का मेहमान क्यों गया घर भूल। और शायरों ने तो इस तरह से शायरी में इस्तेमाल किया है, नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। एक और शेर आपकी खिदमत में है, बना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स, बना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स, हुआ चिराग तो घर ही जला गया एक शख्स। जी नाज़रीन तो शायरों ने तो गुलाब को अपनी शायरी में खूब जीनत बख्शा है क्योंकि गुलाब के बगैर तो कोई चीज़ मुकम्मल ही नहीं होती। शायरी मुकम्मल ही कैसे होगी, क्योंकि जब हम किसी का कोई किसी से तशबीह देते हैं तो गुलाब से दी जाती है, गुलाब के फूल के क्या कहने। नाज़रीन क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी गुलाब पे इतना ही काम हो रहा है या नहीं? बिल्कुल हमारे मुल्क में भी गुलाब की पैदावार पे बहुत काम हो रहा है और मुख्तलिफ शहरों में इलाकों में गुलाब की मुख्तलिफ अनवाय अकसाम लगाई जा रही है, जिनमें गुलाब की चार मशहूर अकसाम सफ़ेद, सुर्ख, पीला और काला, जबकि देसी गुलाब लाहौर और चौहा सैदन शाह में पाया जाता है, जबकि ठट्टा में भी नायाब किस्म के गुलाब मौजूद हैं। गुलाब सिर्फ बागों में ही नहीं बल्कि लोग अपने घरों में लगाना भी पसंद करते हैं और लोग भी लगा रहे हैं। गुलाब की काश्त के लिए सर्दियों का जो महीना होता है वो नहायत मुफीद होता है। गुलाब की काश्त मई जून के महीने को छोड़कर पूरा साल ही गुलाब के पौधे लगाए जा सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना
गुलाब की काश्त के लिए आइडियल महीना है, क्योंकि जो ये ठंडे महीने होते हैं गुलाब उनमें खूब जो है फलता फूलता है और उसकी जो बहार होती है वो अपने जोबन पे होती है। इसीलिए सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि गुलाब की बहार आई हुई होती है। गुलाब की कटाई हमेशा करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा कटाई सुबह करें या शाम में करें, क्योंकि इस वक्त जो है मौसम में माहौल में नमी होती है जो कि गुलाब के फूल के लिए नहायत ज़रूरी होती है। अगर ये नमी ना हो तो फूल जो है जल्द मुरझा जाते हैं, तो इसलिए नमी का होना ज़रूरी है। जितनी नमी होगी उतना ज़्यादा ये फूल जो है जल्द मुरझाएगा नहीं। गर्ज के शायरी का मौजू हो या खुशी या बीमारी, गुलाब की मौजूदगी नहायत ज़रूरी होती है। और सिर्फ यही नहीं, कुदरत का यह हसीन तोहफा हमारे फना होने के बाद भी काम आता है हमारे, यानी ये हमारी मरकत की जीनत बन जाता है। जी नाजरीन, तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम गुलाब के बारे में? उम्मीद है गुलाब के बारे में हमने जो मालूमात आपको फराहम की है उससे आपकी मालूमात में खातिरख्वाह इजाफा हुआ होगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सीमी सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खजीना सेहत प्रोग्राम में अगले उन्वान के साथ, एक नए उन्वान के साथ जो आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा करेगा, हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।